अच्छा खासा बाजार है भाई। तो आज हम लोग जा रहे हैं जी कसूर में फिश खाने के लिए। कराची में तो बहुत फिश खाई आप लोगों ने, वीडियोस में भी देखा, तो इस दफा सोचा कि क्यों ना लाहौर के अंदर जो नियरेस्ट अप्रोचेस हैं फिश के पॉइंट ऑफ व्यू से उनको भी एक्सप्लोर किया जाए। और आप लोगों ने सुना होगा कि कसूर की फिश जो है वो बहुत मशहूर है। मैंने पहले तो खाई है लेकिन मुझे याद नहीं कि उसका टेस्ट कैसा था। तो आज जो है वो मैं अपने फ्रेंड्स के साथ जा रहा हूँ फिश खाने के लिए। ये है मेरे खुर्रम भाई और पीछे आमिर हैं, आसिफ हैं। हेलो व्यूअर्स, हम लोग जो है वो आज फिश खाने के लिए कसूर जा रहे हैं। इस वक्त हम लोग हैं फिरोजपुर रोड है ना, ये फिरोजपुर रोड पे हैं और तकरीबन एक डेढ़ घंटा लगेगा हमें कसूर पहुंचने में। तो जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। अच्छा जी, फिरोजपुर रोड पे क्या था नाम भी वज़ीर आला का, उस्मान बुज़दार ने अंडरपास बनाया है और ये हम लोग, हाँ जी उन्होंने बहुत मेहनत की है। तो आज जो है वो ये अंडरपास भी हम लोग देखेंगे और इन्होंने जो है ना वो बनाया जी अब्दुल सत्तार ईदी के नाम से ये अंडरपास, और ये अंडरपास आ गया। अच्छा जी, ये है अंडरपास लाहौर रिंग रोड कसूर। ओके गुलाब देवी, ठीक है। ये मेरे ख्याल में दूसरा अंडरपास है इस गवर्नमेंट का, पहला था फिरदौस मार्केट का, फिरदौस मार्केट, और दूसरा है फिरोजपुर रोड पे, और मेरे ख्याल में तीसरा होगा शाह काम चौक का जो बहरिया को टच करता है। तो इस गवर्नमेंट ने भी कुछ ना कुछ कर ही लिया भाई। ये वैसे इन्होंने अच्छा काम किया है इस अंडरपास को बना के, क्योंकि यहाँ पे जो ट्रैफिक का फ्लो था, ट्रैफिक बहुत ज्यादा थी यहाँ पे, तो ये एक अच्छा काम कर दिया इन्होंने कि यहाँ पे अंडरपास बना दिया। जी देखें, गाड़ी आपकी कोई भी हो, चाहे जितनी मर्जी कंफर्टेबल गाड़ी में आप बैठे हो, अगर आपके पास रोड ब्लॉक मिल रहे हैं आपको और आपकी ड्राइविंग में आपको हैसल हो रही है, तो इसका मतलब है आप इंजॉय नहीं कर सकते। तो ये रोड्स का अच्छा होना, इंफ्रास्ट्रक्चर का अच्छा होना बहुत जरूरी है हमारे लिए। सही बात है, सही बात है, सही कह रहे हो आमिर साहब आप। थैंक्स टू गुजरात सर। अच्छा खाना खाने के लिए आपको ट्रैवल करना पड़ता है, गलियों में भी जाना पड़ता है, बाजारों में भी जाना पड़ता है, क्योंकि अच्छा खाना ज़रूरी नहीं है कि आपको फाइव स्टार होटल्स में मिले। समटाइम आपको ऐसी जगह पे भी जाना पड़ता है जो कि जहाँ का एम्बियंस इतना अच्छा ना हो, नीट एंड क्लीन ना हो, लेकिन टेस्ट अच्छा होता है। तो टेस्ट के लिए समटाइम आपको ऐसी जगह पर ट्रैवल करना पड़ सकता है। तो आज हम लोग जहाँ पर जा रहे हैं, अब है तो कसूर, लेट्स सी, देखते हैं कि वहाँ का एम्बियंस कैसा है और टेस्ट डेफिनेटली आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। डिफरेंट स्टाइल से वो फिश बनाते हैं, बहुत फेमस है लाहौर के अंदर भी। लाहौर में डिफरेंट जो फिश के आउटलेट्स हैं वो इस बात से, इस नाम से अपनी फिश को सेल करते हैं कि जी कसूरी फिश। तो आज आप लोग मेरे साथ देखिएगा कसूरी फिश को कि ये कसूरी फिश भाई है क्या चीज़, क्या क्या टेस्ट है इसका ऐसा। ये है जी कान्हा बाजार, तो हमने कान्हा क्रॉस कर लिया। अब यहाँ से कितना टाइम लगने वाला है, एक घंटा लग जाएगा, आधा आधा पौना घंटा लग जाएगा, इट डिपेंड्स ऑन ट्रैफिक, हमें ट्रैफिक कितनी मिलने वाली है। ले जी एक्साइटमेंट बहुत है कि हम लोग जो है वो कसूरी फिश खाने के लिए जा रहे हैं और आप लोग देख रहे हैं, सब लोग इस वक्त स्माइल कर रहे हैं, और ये जो आमिर भाई हाथ जोड़ रहे हैं ना, ये बेसिकली आज पैसे पे करने वाले हैं। इस वक्त जो है वो मैं कान्हा क्रॉस कर चुका हूँ और यहाँ पे जो आबादी मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि लाहौर जो है वो अब छोटा नहीं रहा। तो मतलब जो सोसाइटीज़ हैं वो, मतलब जितनी भी आपकी ज़रूरी ज़मीन है ना, जितनी भी खेती बाड़ी वाली ज़मीन थी, उन सब पे सोसाइटीज़ बनना शुरू हो गई हैं। आने वाले वक्त में हम लोग करेंगे क्या, ये सब्ज़ियाँ, ये चीज़ें जो हम लोग खाते हैं, जो नियरेस्ट अप्रोच थी वहाँ पर, तो सब आबादी बन गई है, सोसाइटीज़ बन गई हैं। तो ये तो भाई बहुत महंगाई होने वाली आने वाले वक्त में, जो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ ना। और मुझे जहाँ तक याद है, जब मैंने आपको जैसा बताया कि मैं यहाँ पे आया था उसका गड्डा सिंह बॉर्डर देखने के लिए, तो उस वक्त यहाँ पे इतना सब कुछ नहीं था। तो यहाँ पे तो आगे सुना है कि बहरिया नशेमन भी है और भी बहुत सी सोसाइटीज बन गई हैं, सेंट्रल पार्क है यहाँ पे, तो लीड टाउन के फेसिस हैं। तो भाई ये हमने तो अपनी सारी एग्रीकल्चर लैंड जो है वो खत्म कर दी।
भाई वही हैं जो मेरे साथ श्रीलंका में भी गए थे। और अभी वो श्रीलंका की बात करें कि जब हम लोगों ने फ्लाई किया श्रीलंका के लिए तो पाकिस्तान से नीचे जो बॉर्डर हम लोग देख रहे थे इंडिया और पाकिस्तान का, तो वो जो लाइन ड्रॉ की हुई थी लाइट्स जो विजिबल थी, तो उसको देखने का मजा ही कुछ और था। खुरम भाई की जो है वो दाढ़ी सफ़ेद हो गई है आज, इन्होंने काला कोला नहीं लगाया हुआ। खुरम भाई की हर चीज़ सफ़ेद हो गई, फूल भी सफ़ेद हो गए। सबको भूख बहुत ज़बरदस्त लग गई है और काफ़ी टाइम हो गया हम लोगों को निकले हुए। आज तो लोगों ने नाश्ता भी नहीं किया वो सुबह से। हाँ जी आज मछली के लिए। हाँ जी आज जो है ना वो हम लोगों ने, क्योंकि आमिर भाई हमें फिश खिला रहे हैं तो हम लोगों ने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया। मैंने तो कहा 6-7 किलो की जो है फिश का ऑर्डर दे देते हैं, इन्होंने कहा नहीं यार फी बनता आधा किलो। अच्छा जो भी है फिश खाने का मजा ना कराची में ही है, क्योंकि समंदर की फिश ताज़ी फिश बहुत अच्छी बात। लाहौर में आपको सिर्फ एक ही फिश खाने को मिलती है रोहू। बाकी अगर आपने कोई फिश खानी है, क्योंकि मैं फिश लवर हूँ मैंने बहुत सी फिश खाई है, लाहौर में आपको रोहू मिलती है। अगर आपको ट्राउट चाहिए बहुत एक्सपेंसिव है, आपको मुश्का चाहिए बहुत एक्सपेंसिव है, हीरा चाहिए एक्सपेंसिव फिश है। तो बात यह है कि हमारे पास जो है ना वो ऑप्शंस लाहौर में फिश की बहुत कम है। और अगर आप ये फिश ले भी लेते हैं, आपने ट्राउट ले ली, आपने ट्राउट आपको मिल गई कहीं से, तो वो आपको फ्रेश नहीं मिलेगी। 2500-3000 kg के करीब वो आपको फिश मिलेगी और आप जब उसको बनाएंगे आपको वो मज़ा नहीं आएगा। तो ये मतलब लाहौर में हम इस चीज़ को बहुत मिस करते हैं कि यहाँ पे हमें ताज़ा फिश नहीं मिलती खाने के। कसूर जा रहे हैं, एक चीज़ तो भूल ही गए हम लोग, अंदर से भी तो खाने। आसिफ आपने बताया नहीं अंदर से होगा। जी बिल्कुल, हम अंदर से भी खाएंगे और हम वहाँ का कसूर का मशहूर फालूदा भी खाएंगे। नहीं नहीं फालूदा नहीं, मछली के बाद दूध नहीं पीना यार। जहाँ पे जाएं वहाँ की स्पेशलिटी को आप लोग जरूर टेस्ट करें। जैसे अब हम लोगों ने बात की अंदरसों की, कसूर में अंदरसे, कसूरी फलूदा, कसूरी मेथी, ये सब चीज़ें बहुत फेमस हैं। तो बेसिकली उन चीज़ों को ट्राई करने की रीज़न जो है वो ये होती है कि आपको एक तो फ्रेश मिलती हैं और उसका जो रियल टेस्ट है, जो टेस्ट की बात करते हैं हम लोग, वो टेस्ट भी आप लोगों को मिलता है। तो जहाँ पे जाएं वहाँ की मुकामी चीज़ जो है उसको ज़रूर टेस्ट करें, उसका एक अपना ही मज़ा होता है खाने का। और ये राउंड अबाउट आ गया, यहाँ से हम लोग कसूर की तरफ टर्न लेने वाले हैं। तो भाई आ गया भाई फिश वाला आ गया। कौन सी फिश खा रहे हैं भाई हम? मौलवी की फिश खानी है भाई हमने आज, मौलवी की फिश। अच्छा जी यहाँ पे दो हैं फिश वाले, जावेद भाई और मौलवी। तो लेट्स सी, देखते हैं कि भाई हम आज कहाँ पे फिश खाने वाले हैं। कसूर आए बाबा भोले शाह साहब का नाम है जी। बिल्कुल, अगर आप कसूर आए और आपको बाबा भोले शाह साहब का बारे में इंफॉर्मेशन ना हो तो ये भी एक कह लें कि अच्छी बात नहीं समझी जा सकती। बाबा भोले शाह साहब का पंजाबी शायरी में एक नाम है, ना सिर्फ पाकिस्तान है बल्कि पूरी दुनिया में, और लोग उनके कलाम को अक्सर रिपीटेडली उनको गाते रहते हैं। देखिए भी अभी मैंने आपसे पहले बात की थी, सिटी टू सिटी मूव करने का फायदा ये है कि आपको वहाँ पे डिफरेंट कल्चर, वहाँ की चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो आज जैसे हम लोग यहाँ पे कसूर में हैं तो मेरे भाई आसिफ ने हमें बताया कि यहाँ पे बाबा भोले शाह, तो देखिए बाबा भोले शाह की हमें आज इन्फॉर्मेशन मिली, आप लोगों के साथ भी मैं शेयर करूँ। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको ये इन्फॉर्मेशन, अगर आप देखें सिटी की बात करें तो जैसे हम लोग इस वक्त सिटी में मूव कर रहे हैं, हम लोग फिश पॉइंट पे जा रहे हैं, तो आपको जगह तो ऐसे ही लग रही है जैसे कि आप जो है वो लाहौर में ट्रैवल करते हैं, क्योंकि लाइफस्टाइल हम लोगों का ऑलमोस्ट एक जैसा होता है। लेकिन ये है कि जब आप इनमें उठेंगे बैठेंगे, इनसे बातचीत करेंगे, तब आपको आइडिया होगा कि भाई इनका जो है लाइफस्टाइल क्या है, ये क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, कैसे रहते हैं। और वैसे भी एक यहाँ पे जो सिमिलैरिटी है वो अंदरून लाहौर के साथ बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटी है इस शहर की। जी हम लोग पहुँच गए यहाँ पे कसूर के। सेम ही लग रही है जगह, कोई इतना खास फर्क नहीं है।
ऐसे ही लग रहा है लाहौर में फिर रहे हैं, कोई डिफरेंट जगह नहीं है। लेकिन ये है कि अगर फिश की बात की जाए तो डेफिनेटली एक डिफरेंट एक्सपीरियंस होने वाला है फिश का, क्योंकि वो बहुत मशहूर है यहाँ की। अच्छा, यहाँ पे आपको हमने गाड़ियाँ पहले पार्क कर दी हैं और ये बताया कि यहाँ पे जगह नहीं है अंदर तक गाड़ी लेके जाने की, तो आपको यहाँ पे गाड़ियाँ पार्क करनी होंगी और उसके बाद फिर आप जो है वो आगे अंदर गलियों तक जा सकते हैं। ये पिकल है, दिस इज पिकल अचार। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है, ठीक ठाक हैं आप? ये बस दिखा रहे हैं, बड़ा अच्छा तरीके से आपने रखा हुआ जी। चार भी सिरका पानी से पाक होते हैं। अच्छा, खालस चार और सरसों के तेल में तैयार करते हैं, किसी किसी में कोई केमिकल नहीं होता। वेरी गुड, अच्छे वाले चार होते हैं, अलग अलग किस्मों के चार हैं, जबरदस्त। वैसे तो जो है वो आपको जो अचार बाजारी होता है वो खट्टा होता है, इसका ये खट्टा तो नहीं होता, नहीं गला खराब तो नहीं करेगा? नहीं, ये खालस चार है, घर का बना हुआ। चले इंशाल्लाह आपके पास भी आएंगे जी, थैंक यू, बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। ये जी उन्होंने हमें बताया, वो हमें बता रहे थे कि यहाँ पे जो अचार है वो बेसिकली उसको जिस तरीके से वो बना रहे हैं उसमें कोई ऐसी चीज नहीं है जो कि आपका गला खराब कर सके। यूजली होता ही है कि जब आप अचार खाते हैं तो आपका गला खराब होना शुरू हो जाता है। छोटी छोटी गलियां बिल्कुल, और मतलब एक डिफरेंट कल्चर यहाँ पे देखने को मिल रहा है। फर्स्ट टाइम ये एक्सपीरियंस है, मुझे नहीं याद कि लास्ट टाइम जब मैं आया था तो इतनी छोटी गलियाँ थी। कसूर की बड़ी सुना है, बड़ी मशहूर सौगात है अंदर से, तो क्या ऐसा स्पेशल क्या होता है इसके अंदर? चावलों का आटा होता है। अच्छा, और गुड़ होता है। सही, गुड़ डालते हैं, चीनी नहीं होती इसके अंदर? चीनी भी होती है, है। बड़े मशहूर है भैया। तो कितने टाइम में तैयार हो जाता है ये? ये मिठाइयाँ देखें भी, ज़बरदस्त किस्म की मिठाइयाँ हैं ये, ताहिर स्वीट्स। जावेद फिश तो बंद है भाई, जो फिश खाने के लिए आया था वो फिश तो बंद है, अब देखो आगे वाली मिलती है कि नहीं मिलती। इतने दूर फिश खाने के लिए आए हैं और पता चला जी जावेद फिश जो है वो बंद है, क्या वजह हो सकती है बंद होने की? अच्छा, फोत की हुई है जी, कोई उनका रिलेटिव वगैरह कोई फोत हो गया जिसकी वजह से आज शॉप जो है वो बंद है। तो अब जो है वो हम मौलवी फिश पॉइंट पे जा रहे हैं, तो लेट्स सी, देखते हैं कि वो हमें कोई सरप्राइज तो नहीं देने वाले। ये बिल्कुल ऐसी गलियां जैसे कि लाहौर में अगर आप मोची गेट, दिल्ली गेट वगैरह में अगर आप लोग जाते हैं वहाँ पे, तो वहां पे भी आपको ऐसी की गलियां देखने को मिलती हैं।
कितनी पुरानी बिल्डिंग है यहाँ। देखिए भी लोग कहाँ कहाँ तक जो है ना अपना काम कर रहे हैं, और यहाँ पे ट्रांसपोर्ट को मैनेज करना इतना आसान नहीं है। और अगर आप देखें यहाँ पे लोगों का कितना रश है, तो मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे लोग बाइक के थ्रू ही अप्रोच करते हैं, क्योंकि गाड़ी तो आ नहीं सकती। और आज ये चीज़ भी जो है ना एक शो करती है कि ज़रूरी नहीं है कि आपकी शॉप जो है, आपका बिज़नेस जो है वो मेन पे हो तो ही चलेगा। अगर आप अच्छा काम करने वाले हैं, क्वालिटी का काम करते हैं, तो वो हर जगह पे ही चल सकता है, कोई भी जगह हो। और भाई हमें शॉप नहीं मिल रही, अब हम जो है मौलवी भाई की शॉप भी नहीं मिल रही। अब देखें कहाँ पे फिश खाते हैं। मेरी फाइनली हमें रास्ते का पता चल गया कि कहाँ पे है फिश वाला, हमारे पूरम भाई ने पूछ लिया। मौलवी फिश पॉइंट पे पहुंच गए हैं। ये है जी कसूरी मौलवी फिश पॉइंट पे आ गए हैं। और आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे फिश का जो वैसे तो अच्छा खासा ट्रेंड यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है फिश का, लोग जो है वो फिश खा रहे हैं। और अब हम लोग चलते हैं इनके सिटिंग एरिया की तरफ, यहाँ पे इनके रश काफ़ी है, तो अब इनके सिटिंग एरिया की तरफ चलते हैं जो कि इन्होंने। अच्छा जी ये है इनका सिटिंग एरिया। अच्छा लाहौर में या कराची में हम लोग जब फिश की बात करते हैं तो हमें मोस्टली आपको फिश पूरे पीसेस मिलते हैं। यहाँ पे आपने देखा कि फिश को जैसे हम लोग घर में बनाते हैं पीस काट के, तो यहाँ पे भी इन्होंने फिश के पीसेस किए हुए हैं। कराची में भी ऐसा ट्रेंड नहीं है, कराची में बल्कि आप जब फिश देखते हैं तो वहाँ पे आपको पूरी फिश मिलती है जिसका फेस भी साल लगा होता है। लेकिन यहाँ पे एक अच्छी, ये अच्छी बात मैं समझूंगा कि इन्होंने जो फिश बनाई हुई है उसके छोटे छोटे पीस किए हुए हैं ताकि आपके लिए खाना आसान हो, आप कम्फर्टेबल तरीके से खा सकें इसको। ज़बरदस्त। और फिर रश देखें यहाँ पर, रश से आइडिया हो रहा है कि ये फिश अच्छी होने वाली है। देखिए आप इस फिश की ब्यूटी चेक करें कि नो डाउट के ना अगर मैं बात करूं तो ये बहुत ही डिलीशियस लग रही है। और अब मैं आपको टेस्ट करके बताऊंगा कि इसका टेस्ट कैसा है। देखिए इसका टेस्ट आप लोगों को मैं करके दिखाने वाला हूँ कि आप लोग देखें कितना ज़बरदस्त। ओह माय गॉड ज़बरदस्त है। ज़बरदस्त मसाला, ज़बरदस्त, बहुत ही अच्छी फिश है। मैं रिकमेंड करूँगा कि वो लोग जो फिश खाना चाहें कसूर आके वो ये फिश खा सकते हैं। रियली बहुत अच्छा टेस्ट है। मैं
मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इसका टेस्ट इतना अच्छा हो सकता है, बट बहुत अच्छा टेस्ट है। अब मैं फिश खा लूँ फिर आप लोगों के साथ बात करते हैं। मैं कहा ज़बरदस्त फिश है ये, उससे ज़्यादा अच्छा टेस्ट लग रहा है लास्ट टाइम वाली से। बेसिकली जो मौलवी फिश कॉर्नर है ये माना फिश के नाम से भी बहुत फेमस है, और माना भाई आज यहाँ पे हैं हमारे साथ, तो हम इनसे बात करने की कोशिश करते हैं, इनसे पूछते हैं कि ये इतने फेमस होने की वजह क्या है। मैं लाहौर से आया हूँ और आपका सुना था, हमारा प्लान था वैसे जावेद का नाम सुना हुआ था, वहाँ पे फिश खाने के लिए आए थे, वो आज बंद थी, तो हमारी किस्मत में था कि हम आपके फिश को टेस्ट करें, क्योंकि हमने दो ही नाम सुने थे, मौलवी फिश वाला और जावेद फिश वाला। तो लकीली हम यहाँ पे हैं और मुझे उम्मीद नहीं थी कि इसका इतना अच्छा टेस्ट होने वाला है। अरे तो आज बहुत अच्छा अपने मसाले होंगे अपनी रियासी तैयार करने अपने सौदा नहीं लेते जबरदस्त दुकान है। तीसरी पीढ़ी 60 साल हो गए। अच्छा 60 साल हो गए। नहीं वो भाई बता रहे थे कि 100 साल हो गए, 40 साल से 60 साल 40 साल पहले और कारोबार था। अच्छा अच्छा गोशत था। अच्छा अच्छा गोशत दुकान। ओके ओके। तो ये आपकी वो सामने वाली जो है वो पुरानी दुकान थी पहले, ठीक है। अच्छा ये दूसरी है, शॉप एक ही है। अच्छा शॉप एक ही है। नहीं जी बहुत मजा आया मुझे खाना खाने का, और मैं बहुत से लोगों को बताने वाला हूँ सौदे जो फर्क ना पाए। हाँ ये बहुत अच्छी बात है, ये क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और मैं बहुत से लोगों को क्वालिटी अच्छी से लोग आ देना। हाँ जी बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही। नहीं जी बड़ा अच्छा लगा जी आपसे मिलकर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच जी, थैंक यू। अभी हमने बात की माना से, माना मछली पॉइंट, मुझे नाम भूल जाता है क्योंकि हम लोग जो प्लान करके बेसिकली यहाँ पे आए थे, लेकिन ये है कि बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, बहुत मज़ा आया फिश खाने का, फिश खा ली। और अब भी प्लान है शेख असगर के अंदर से हलवा और जो भी स्वीट्स वगैरह हैं, देखते हैं क्या क्या लिया जा सकता है। ले जी सोन हलवा लेना है और ये अंदर से लेने हैं, अंदर से लेते हैं। ये क्या चीज़ है? पिनिया दाल की, चने की दाल की, चने की दाल की पिनिया। ये क्या चीज़ है? ये क्या चीज़ है? गचक। और ये भी पता नहीं खाया जाएगा कि नहीं खाया जाएगा। लो जी शॉपिंग हो गई, मेरी शॉपिंग हो गई, और पूछ रहे हैं कि ये भी खाया जाएगा कि नहीं खाएगा। बहुत ज़्यादा ले लिया मैंने, मेरे लिए इतने बहुत है। मछली भी खा ली, शॉपिंग भी कर ली, और अब हम लोग जा रहे हैं वापस। तो आप लोग वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अल्लाह हाफिज़।